हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर लोकगीत चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गर्म में लड़का होने पर आपको अगर इन दो अंगों में बदलाव नजर आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक बेटा ही होगा दोस्तों चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में ऑल को प्रेस कर लें हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आइए दोस्तों जान लेते हैं इन दो लक्षणों के बारे में काफ़ी हद तक ये लक्षण सही साबित होते हैं और ये जो लक्षण आपको मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों ये लक्षण आपको काफ़ी कम सुनने को मिलेंगे लेकिन ये लड़का होने के लक्षण हैं जो कि अक्सर ओल्ड वाइफ महिलाएं इनको बताया करती हैं तो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके इसका इसके लिए आपको बैल को प्रेस ज़रूर करना है दोस्तों हमारा बेटा बेटी में भेदभाव करना नहीं है ना ही इस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो आपको पता है हम हर वीडियो में यही बोलते हैं तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आ जाते हैं टॉपिक पर सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों जब आप कंसीव करती हो तो आपकी एक जिज्ञासा रहती है ना जानने की उत्सुकता रहती है और हर गर्भवती जो महिला होती है उस सभी की रहती है तो सबसे पहला जो लक्षण है हमारा दोस्तों अगर आपको कई गर्भवती जो महिलाएं उनका कहना है कि जी नींद पॉलिस होती है दोस्तों हर गर्भवती जो महिला होती हैं या महिला होती हैं नींद पॉलिस हर किसी घर में मिल जाती है लेकिन उनका ये कहना है कि उससे पहले प्रेगनेंसी से पहले हम इसको ख़ूब लगाया करते थे लेकिन प्रेग्नेंट जब से हुए हैं हमें नींद पॉलिस देखना भी पसंद नहीं है उसकी जो खुशबू होती है बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है और हम पूरी ही प्रेगनेंसी उसको नहीं लगा पाते हैं और हम सामने देखते हैं तो हमें उसमें देख ही हमें उपकाइयाँ आने लग जाती हैं तो दोस्तों अगर आपको उसकी खुशबू अच्छी नहीं लग रही है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है तो दोस्तों ये बेटा होने का लक्षण माना जाता है जबकि लड़की होने पर ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आती है दूसरा लक्षण है दोस्तों अगरबत्ती धूपबत्ती अगर आप अपने घर में धूपबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं सभी जलाते हैं ना पूजा के टाइम पर अगर आपको उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती नॉर्मल उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है कई लोगों को तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है तो दोस्तों उसकी सुगंध जो होती है बहुत अच्छी रहती है लेकिन अगर गर्भवती महिला है और जब आरती पूजा करती हैं या कोई जला भी देता है आसपास मंदिर देवालय होते हैं उनमें भी उनको खुशबू आने लग जाती है तो उनको उल्टियाँ होने लग जाती हैं उनका सिर चढ़ने लग जाता है मेन पॉइंट ये दोस्तों उनके सिर में दर्द होने लग जाता है उसकी स्मेल से तो दोस्तों ये बेटा होने का लक्षण माना जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में ये लक्षण देखा गया है और उनको बेटा ही हुआ है दोस्तों साथ ही इसके जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं इनके ज़्यादा रीज़न ये हुआ है कि उससे जो वॉमिटिंग तो होती है लेकिन साथ में सिर दर्द भी होता है दोस्तों ये जो दो लक्षण हैं हम हमें काफ़ी सारी गर्भवती जो महिला हैं जैसे हमारे आसपास रहती हैं आते जाते हम रहते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं तो वो हमें शेयर कर देती हैं तो ये दो लक्षण हमें उन्होंने बताए हुए हैं हमने आपके साथ शेयर किए हैं अगर आपको मैच होते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपको बेटा ही होगा जय श्री कृष्णा